नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इतिहास राजे रजवाड़ों के समय की तमाम गौरवपूर्ण कहानियों से भरा है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी में शाही अंदाज नजर आता है, नजाकत है, नफासत है, एक खूबसूरत लव स्टोरी भी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर मानवीय पहलू है। एक राजकुमारी का राजमाता से राजनीति तक का सफर है। ये कहानी है एक राजमाता की, जयपुर की राजमाता की। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में ये नाम बड़े अदब से लिया जाता है। एक राजकुमारी कैसे राजमाता बनी और उन्होंने भारत की राजनीति में कौन सा रिकॉर्ड बनाया, ये सब इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। कैसे हिंदुस्तान की एक राजकुमारी पूरी दुनिया में फैशन आइकन बन गई, ये भी इस कहानी का एक बेहतरीन पहलू है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे सुखद पन्ना है वो ये कि हमेशा शाही ठाट में रहने वाली एक महिला में आम आदमी के जज्बात और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा किस कदर समाई थी। आइए शुरू करते हैं ये नायाब कहानी। वो परियों के स्वप्नलोक में रहती थी। उनकी शान सबसे निराली थी। खूबसूरती ऐसी जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। महारानी सबसे अलग है जिनकी कहानी। राजमाता जो बन गई मिसाल मानवता की। साहस कूट कूट कर भरा था। शेर का शिकार करने वाली महारानी थी वो। जिन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा। राजशाही और राजनीति दोनों को बखूबी जिया। राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा की साक्षी बनी। जिनकी राजनीतिक जीत भी एक रिकॉर्ड थी। राजमाता गायत्री देवी जैसे किस्सों कहानियों वाली कोई उड़न परी हो। कहानी बिल्कुल किसी परीलोक जैसी। कहानी का हर पन्ना सपनीली दुनिया में लेकर जाता है, जहां शानदार महल है, सुंदर मेहराब वाले दालान है, फर्श पर मखमली कालीन बिछी है, छत पर बड़ा सा झूमर टंगा है, खूबसूरत पर्दे, झरोखों से आती ठंडी हवा, पलंग पर बैठी राजकुमारी। ऐसी ही जिंदगी थी राजमाता गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को कौन नहीं जानता। 23 मई 1919 को लंदन में उनका जन्म हुआ था।
उनके पिता कूच बिहार के राजा थे और माँ इंदिरा राजे बड़ौदा की मराठा राजकुमारी थी। गायत्री देवी एक शानदार महल में पली बड़ी थी। उनके दोस्त और परिवार के लोग उन्हें प्यार से आयशा कहकर बुलाती थी। My real name is Gayatri, but my mother was reading Rider Haggard's book. She, and she said, if I have a girl, then I will call her Aisha. And so she did. And then Muslim friends came to call on her and said, oh, you've given her a Muslim name. Oh, she said, yes, I never thought about that. Then, of course, my Janam Patri was with Ga, and the name was Gayatri. गायत्री देवी को शुरू से खेलने और शिकार करने का शौक था। उन्होंने अपने जीवन का पहला शिकार 12 साल की उम्र में किया था। शिकार करना उनके लिए एक बहुत ही आम चीज मानी जाती थी। वो शुरुआत से ही एक शाही जिंदगी व्यतीत कर रही थी। शाही पोशाक, कीमती हीरे जवाहरात और पैसा उनके पास इतना था जिसे देखते ही सिर चकरा जाए। महारानी गायत्री का घर उस समय के सबसे अमीर शाही घरानों में गिना जाता था। कहते हैं कि गायत्री देवी को लग्जरी गाड़ियों का खूब शौक था। उनके पास बहुत सी महंगी गाड़ियां थी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि उनके पर्सनल कलेक्शन में कुछ रोल्स रॉयस और एक एयरक्राफ्ट भी था। माना जाता है कि उन्हें गाड़ियों का इतना शौक था कि भारत में पहली मर्सिडीज बेंच W126 उन्होंने ही खास तौर पर इंपोर्ट करवाई थी। बाद में उस गाड़ी को उन्होंने मलेशिया भेज दिया था। राजमाता के जीवन की कहानी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन उनका जुझारूपन, शासन करने की काबिलियत और महलों में रहकर भी लोगों से जुड़ने की कला उन्हें शानदार इंसान बनाती है। उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी ऐसी है जिसमें दिलचस्पी है, जिसमें रोमांच है, जिसमें जिंदगी का फलसफा है, जिसमें सबक है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां आगे आपको दिखाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजमाता गायत्री देवी, ये वो नाम है जो भारत के राजशाही और लोकशाही दोनों की साक्षी और साझेदार रही। उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक की तमाम ऐसी कहानियां हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। उनका बचपन कैसा था, विवाहित महाराज से कैसे हुई उनकी शादी, ये रिपोर्ट देखिए। बेशक महारानी गायत्री देवी रूप की रानी थी। उनकी खूबसूरती की बदौलत ही पहले से शादीशुदा महाराज मानसिंह ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया था। ये बात उस समय की है जब गायत्री देवी महज 12 साल की थीं और उनकी मुलाकात पहली बार जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय से हुई। दोनों की पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई। उस दिन से दोनों के बीच में एक रिश्ता शुरू हो गया। वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। Well, he used to come and play polo in Calcutta, and then this year he came to stay with us, and we were all absolutely riveted by him. And he arrived very good looking in a beautiful car. And his polo ponies came, one more beautiful than the other. We all sort of hero worshipped him. My brothers hero worshipped him, and so did I. He was the Maharaja of Jaipur, and he was staying with us. All our friends envied us. Then he played tennis and other games with us, and everybody loved him. He was a very easy, natural person. जैसे ही गायत्री देवी 17 साल की हुई, महाराजा मानसिंह ने उन्हें प्रपोज कर दिया। प्रेम में पड़ी महारानी गायत्री देवी ने महाराजा का ये प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया। कहते हैं कि महाराजा की पहले से दो बीबियां थीं, जिसका पता गायत्री देवी को शादी से पहले से ही था। फिर भी उन्होंने महाराजा से विवाह किया। In the beginning, yes. The Maharaja of Jaipur was coming to stay. Yes, Your Highness, no, Your Highness, this, that, and the other. And when we went to the polo match, everybody backed Jaipur, and he won every single tournament. And in the evening, they had a celebration party in Firpo's in Calcutta, which used to be the place in those days. And so my mother said, well, what would you like to do, Jai? So he said, well, I'll have a party here. And can the girls stay? The girls were myself, aged about 14, and my sister, aged 13. So we were with him, and he offered us a glass of champagne. He offered me from his glass. And he said, no, I said, no, I don't drink anybody's jhoota. So I had a glass to myself. My sister had a sip out of his. And then, much to our annoyance, our governess came to fetch us at about 9:30. But you used to fantasize about him. I wanted to be his size. His size? Yes. And then? Then, maybe by accident, when he was getting on the horse, he might touch my hand. So that was the big thing. That was the dream. That was the dream. He had a bandage that he used to play when he played polo, and he used to take it off, and I kept the bandage. And I took a string of it, and I had a little locket, and that string was in the locket for a long, long time. You were in love with him?
I must have been. I thought it was hero worship then, but it must have been. But your dreams came true. I mean, you had no hopes that they would, but they came true. No, I never even thought about it. I mean, he was in a plane far high above me. But he told your mother when you were about 14 or 15 that yes. When you grew up... He would like to marry me. And she said, what nonsense. She didn't think much about it because, I mean, I was 14 and he was already married once and he was going to get married for the second time. So she didn't take it seriously. But then when you were 16, he proposed to you. Then when I was 16, he asked me if I would marry him. He said to me, he said, you know, I fly, I play polo, I might have an accident, I might be disabled or something, so I'm not holding you to your promise. But I said, no, I'd like to marry you. उन्होंने शादी तो की लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन्हें आगे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महाराजा मानसिंह के घराने में औरतों को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। दूसरी ओर गायत्री देवी मॉडर्न ख्यालों की थी और इन प्रथाओं में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने वहां आते ही ठान लिया था कि वो औरतों को प्रोत्साहन देंगी। इस काम के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए एक खास स्कूल भी खुलवाया। कहते हैं कि वो हर मौके पर महिलाओं के हक के लिए जरूर खड़ी होती थी। भारत में कई महारानियां थीं लेकिन महारानी गायत्री देवी की बात अलग थी। फेमस फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन वोग ने दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में उन्हें शामिल किया। सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक महारानी की खूबसूरती के चर्चे हुआ करती थी। गायत्री देवी उस दौर की फैशन आइकन मानी जाती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस बेहद खास था। वे अपनी ज्वेलरी और फ्रेंच शिफॉन की साड़ियां पहनने के लिए जानी जाती थी। उनका स्टाइल इतना पॉपुलर था कि उस जमाने में महिलाएं उनके स्टाइल को कॉपी किया करती थीं। जाहिर तौर पर लोग उनके मुरीद हुए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनकी खूबसूरती के कायल थे। कहते हैं कि उस समय अमिताभ अपने कॉलेज के दिनों में थे। गायत्री देवी की एक झलक पाने के लिए अमिताभ जयपुर के पोलो क्लब के अंदर चोरी छिपे जाते थे। सन 1962 से पहले गायत्री देवी एक खूबसूरत शख्सियत के तौर पर मशहूर थी, लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद उनकी पहचान एक मजबूत और सशक्त महिला के रूप में होने लगी। सन 1962 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। उनकी जीत के आंकड़े चौंकाने वाले थे। जयपुर संसदीय क्षेत्र में 2,46,516 वोट थे, जिसमें से महारानी ने 1,92,909 वोट हासिल किए। उनकी ये जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई। सन 1967 और 1971 के चुनावों में भी उन्होंने जीत दर्ज की। कहते हैं कि राजनीति का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन राजमाता के जीवन में उससे भी कठिन समय तब आया जब देश में आपातकाल लगा। महारानी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने काफी धन महल में छिपा रखा है, जिसका देश के खिलाफ गलत उपयोग किया जा सकता है। गायत्री देवी ने इस इल्जाम से इनकार किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। रातों रात उनके घर में रेड मारी गई और हर जगह खुदाई करके धन ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। गायत्री देवी को जेल भी जाना पड़ा, जिसके कारण उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने राजनीति में न जाकर लेखन पर ध्यान देना शुरू किया। अपने राजनीति के सफर के बाद उन्होंने अपनी बायोग्राफी अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स पर काम किया। महारानी गायत्री देवी की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। हालांकि कई परेशानियों के बाद भी वो कभी टूटी नहीं और उन्होंने साबित किया कि सिर्फ खूबसूरती के दम पर उनका रुतबा नहीं था, सिर्फ राजकुमारी और राजमाता होने के कारण उन्हें याद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका कद इससे कहीं आगे जाकर था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन पल जिए तो जीवन का सबसे बुरा दौर भी देखा। गायत्री देवी को एक बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो उसूलों की पक्की महिला थी। राजनीति को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी को अपने जमाने की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। रानी गायत्री देवी का जन्म और उनका विवाह दोनों ही राजघरानों में हुए थे। उनके व्यक्तित्व पर उनकी शाही परवरिश साफ देखी जा सकती थी। बहुत से इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि आज तक महारानी गायत्री देवी से ज्यादा नजाकत और रॉयल्टी शाही घराने से ताल्लुक रखने वाली किसी अन्य महिला में नहीं देखी गई। लोग उन्हें रॉयल्टी का पर्यायवाची कहते हैं। गायत्री देवी का जीवन परियों की दुनिया जैसा था, लेकिन हर कहानी में कोई न कोई समस्या तो जरूर होती है, कोई न कोई त्रासदी भी होती है। कुछ ऐसी ही थी महारानी गायत्री देवी की जिंदगी। उनका जन्म असम के कूच बिहार के राजघराने में हुआ। गायत्री देवी की माता इंदिरा राजे भी बड़ौदा के मराठी शाही परिवार से संबंध रखती थी।
वो महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती संतान थी। सयाजी राव गायकवाड़ के भाई की मृत्यु के पश्चात उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया और यहीं से शुरू हुआ गायत्री देवी का राजसी सफर। गायत्री देवी ने लंदन, शांति निकेतन और स्विट्जरलैंड से अपनी शिक्षा ग्रहण की और फिर बाद में लंदन स्कूल ऑफ सेक्रेटरीज, ब्रिलियंट माउंट एंड मंकी क्लब में दाखिला लिया। महारानी गायत्री देवी बेहतरीन घुड़सवार थीं और पोलो की अच्छी खिलाड़ी थीं। उन्हें शिकार पर जाने का भी शौक था। वो निशाना बहुत अच्छा लगाती थीं। इसके अलावा उन्हें रॉयल गाड़ियों का शौक था। 15 अक्टूबर 1949 को महारानी गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। इनका नाम रखा गया राजकुमार जगत सिंह। साल 1949 में ही उन्हें जयपुर की राजमाता का दर्जा मिला। जगत सिंह महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह के सौतेले भाई थे, जिन्हें बाद में उनके पिता के भाई की जागीर सौंपी गई। जगत सिंह ने थाईलैंड के युवराज प्रिय रंगसित रंगसित और उनकी पत्नी विभावती रंगसित की पुत्री ललित्या कुमारी से विवाह किया। राजमाता के जीवन में दो दुखद घटनाओं ने उनका जीवन कष्टमय बना दिया। पोलो खेलते हुए उनके पति सवाई मानसिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई और 1997 में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। भारत को आजादी मिलने और बंटवारे के बाद अधिकांश राजसी रियासतों को भारत में शामिल कर की सत्ता छिन गई। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वे स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा के लिए चुनी गई। साल 1965 में उन्हें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कांग्रेस में शामिल होने का न्योता मिला, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों के साथ खिलवाड़ न करते हुए कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया और भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में जनसंघ के साथ गठबंधन कर दिया। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के गठबंधन ने सन 1967 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। आपातकाल के बाद उपजे हालातों में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। राजनीति छोड़ने के बाद उन्होंने लेखन और सामाजिक कार्यों में ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने जयपुर में कई स्कूल कॉलेज भी खुलवाए, जिनमें महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की पहचान अलग है। आज महारानी गायत्री देवी के पुत्र जगत सिंह की संतानें कुमारी ललित्या देवी और महाराज देवराज सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शाही परिवार की ये कहानी जब जब सुनाई जाएगी तो राजमाता गायत्री देवी का जिक्र जरूर होगा। 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी के शानदार राजसी जीवन का समापन हो गया, लेकिन वे आज की महिलाओं की प्रेरणा हैं और देश की महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसालों में से एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजकुमारी से महारानी और महारानी से राजमाता तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन ये खासियत थी गायत्री देवी की कि न सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए उन्हें जाना जाएगा, बल्कि लोगों से जो उनका जुड़ाव था उसके लिए भी हमेशा हमेशा दिलों में राज करती रहेंगी गायत्री देवी। चलिए, इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।